मैंने ये कहा भाई, असल में जैन साहब उसी जिले से हैं जो जिला पहले, अब तो अलग हो गए दो जिले, कन्नौज और फर्रुखाबाद, पहले एक ही था, तो उस नाते भी हमारा उनसे एक रिश्ता है। मैं ये कह रहा था जैन साहब, 1952 से चुनाव हो रहे हैं देश में आजादी के बाद से, आज तक किसी के दिमाग में ये बात आई नहीं कि ऐसा कोई परफ्यूम भी बन सकता है। ये अद्भुत आइडिया आपके दिमाग में कहां से आया और कैसे आया? बड़े भाई, सबसे पहले तो आपको प्रणाम करूंगा, प्राउड करता हूं आप, हम आपके जिले के हैं। धन्यवाद, धन्यवाद भगवान। बात परफ्यूम की है जी, जो इस समय प्रदेश का माहौल चल रहा है जी, जो अराजकता का माहौल है, भाई भाई से लड़ रहा है, जाति जाति से लड़ रही है, बहुत स्थिति खराब है। हम लोग जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो इत्र लेके जाते हैं, उसका मकसद ये होता कि भगवान को खुश करना, जिससे हमको आशीर्वाद मिले। मजार पे जाते हैं इत्र लेके, कि जो संत वहां पर हैं हम उनको खुशबू से खुशबू अर्पण करते हैं, हमको आशीर्वाद मिले। तो ये समाजवादी परफ्यूम, जो समाजवादी इत्र बना है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो अराजकता का माहौल है, एक खुशहाल माहौल बने, प्यार मोहब्बत का माहौल बने, तो ये खुशबू, समाजवादी खुशबू पूरे प्रदेश में सबके पास तक पहुंचेगी और सबका आशीर्वाद लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी जी। ठीक जैन साहब, मैं जरा बीजेपी के पास चलूं, उससे पहले एक अनुरोध और कर दूं भाई, एक शीशी जरा हमको भी भिजवाइएगा, जरा देखें लगा के कैसा बनाया हमारे भाई ने। अशोक पांडे जी, जैन साहब कह रहे हैं कि नफरतों की आंधी है, भाई भाई से लड़ रहा है, जाति जाति से लड़ रही है, वर्ग वर्ग से टकरा रहा है, तो नफरतों की आंधी के बीच में मोहब्बत की बयार चलाने के लिए ये इत्र बनाया गया है। देखिए आप जी, बताने सवेरे जब इत्र लेके अखिलेश जी आए तो मुझे लगा कि लग रहा है कि इसकी शादी ना हो रही हो, कोई ऊपरी परेशानी हो, प्रेम में असफल हो, चाचा से भतीजा से लड़ गया हो, पिता से ना बनती हो, उसके लिए लीजिए समाजवादी इत्र। और जहां से वो जहां का इत्र मशहूर है कन्नौज से, वहां हमारे मित्र सुब्रत पाठक ऑलरेडी जीते हुए हैं। मेरा ये मानना है भाई साहब, 4.5 साल तो ये घर में बैठ के ट्वीट कर रहे थे, जनता के साथ चीट कर रहे थे, जब हम थाली बजवा रहे थे तो हंसी उड़ा रहे थे, जी थाली में जब हमने वैक्सीन परोस दिया तो कहने लगे हम मोदी की बनाए वैक्सीन नहीं लगाएंगे, भाजपा की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। इनका कहना पिताजी ने ही नहीं माना और लगवा लिया, वैक्सीन तो नहीं बना पाए। अब खुशबू इत्र की लेके अपने मित्रों के साथ आ गए, बड़ी हंसी आती है मेरे दोस्त। जिस दौर में कोरोना संक्रमण में सड़क पे निकलना चाहिए, लोगों को भोजन देना चाहिए, गैस की व्यवस्था करनी चाहिए, सिलेंडर की व्यवस्था करनी चाहिए, प्रवासियों को गांव में उचित व्यवस्था करानी चाहिए, ऐसे में तो जोगी जी थे, अब ये ढोंगी जी आ गए इत्र फूले लेके। अच्छा, इत्र से ऐतराज क्या? मान लो मैं वो इत्र ले भी आए पांडे जी, तो ऐतराज क्या? जिसकी मर्जी सो लगाए ना, मर्जी ना लगाए। इत्र से हमें इत्र से नहीं जी, आज कोरोना संक्रमण काल में इत्र से ज्यादा लोगों को जिस चीज की आवश्यकता थी हम वो लाए, वैक्सीन हम लाए, पूरे प्रदेश में जोगी जी की बड़ाई हुई, ऑस्ट्रेलिया की संसद में बड़ाई हुई, लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जोगी जी ने कोरोना संक्रमण पर निजात पाई है वो बधाई के पात्र हैं, उस समय तो ये दिखाई नहीं दिए, अभी तो फुलेल लेके घूम रहे हैं, एक गुलेल लेके घूम रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अखिलेश जी 4.5 साल कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। जैन साहब, अब अमृत पिलाने से क्या फायदा? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कोरोना काल में इत्र की जरूरत नहीं थी, गरीब के साथ खड़े होने की जरूरत थी, उसकी मदद की जरूरत थी। जैन साहब, कोरोना काल में समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके की जनता की सेवा की, एक रिकॉर्ड है। जो पहले कोरोना काल में जो लोग लॉकडाउन लगा था, जब पैदल चल रहे थे,
समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भोजन पैसा पानी जूस सब लेके खड़े थे और सबको बस से भेजने का काम उनके घर तक किया। ये समाजवादी पार्टी ने जिस बड़े स्तर पे काम किया किसी ने उतनी सेवा नहीं की। सरकार बीजेपी की थी, ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो भी हमारी सीमा में आए उत्तर प्रदेश में उसको बस मुहैया कराए, भोजन मुहैया कराए, उसको वहां तक पहुंचाए। ये सभी लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जिस बड़े स्तर पर समाजवादी पार्टी कह रही कि हमने तो सेवा भी की और इत्र भी लाए। भाई देखिए, प्रदेश भर जानता है कि 4.5 साल अखिलेश जी पर ट्वीट कर रहे थे, जनता के साथ चीट कर रहे थे, और तो और अब तो इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि अखंड भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष और जिन्ना की बराबरी करने लगे। जिन्ना जिसने भारत माता के मस्तक को काटा, जिसने धर्म के नाम पर बंटवारा किया, वो जिन्ना के साथ खड़े हैं, हम इन्हें प्रणाम करते हैं। जैन साहब, एक चीज तो मेरी भी समझ में नहीं आई। अखिलेश जी मल्लावा में गए, वहाँ पटेल की उस पर कार्यक्रम था स्मृति में, वहाँ बिना वजह बोल रहे जिन्ना का रेफरेंस लिया, चलो उससे समाजवादी पार्टी निपट नहीं पाई अभी, है ना? तब करेला नीम तब चढ़ गया कि आज राम गोविंद चौधरी भी बोल दिए, वो और डिटेल में चले गए, बोले जी जितना योगदान गांधी का, नेहरू का, उतना ही जिन्ना का, जिन्ना कम महापुरुष है क्या? लो, आप लोग भी गजब करते हो जैन साहब, नहीं कहां कहां लपेटोगे भाई, कहां कहां जवाब देगी पार्टी? ओम प्रकाश राजभर भी बोल गए। नहीं, राजभर की बात अलग है, राम गोविंद चौधरी की बात तो बिल्कुल अलग है। वो भाई नेता विपक्ष है विधानसभा में, समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं। जी हमारे अभी भाजपा के मित्र बोल रहे थे कोरोना काल की अव्यवस्थाओं का, कौन सी ऐसी सरकार जो भी जिन पैदल चलने वालों की मृत्यु हुई थी अपने प्रदेश में, उनकी सहायता किसने की? घर पे जाके किसने उनकी मदद की? मैं अपने भाजपा के मित्रों से पूछना चाहता हूँ, समाजवादी ही पार्टी एक ऐसी थी जिनकी मदद उनके घर से जाके हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने की? प्रवासियों को भगाया था, बॉर्डर पे इनको भगाया था, तो हमने लोगों को बसें भेजकर उनके गांव में लाने की व्यवस्था की, अस्पताल की व्यवस्था की, बेड की व्यवस्था की, सिलेंडर की व्यवस्था की। हम दिवाली तक 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं। हमने डॉक्टरों की व्यवस्था की, उसमें अखिलेश यादव जी तो कहीं नहीं थे, बल्कि इस वैक्सीन के बारे में रुको, एक मिनट रुको।